आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे मांडा पट्टी की। बहुत ईजी है, आसान है घर में बनाना। बताते हैं आपको बनाने का तरीका, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे मांडा पट्टी बनाने की। बहुत ईजी है, आसान है घर पर मांडा पट्टी बनाना। इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच ऑयल शामिल कर दिया, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, इसी के अंदर शामिल करेंगे 2 कप मैदा, दो कप मैदा शामिल कर देंगे इसके अंदर। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। न ज़्यादा सख्त करेंगे डो को, न ज़्यादा नरम। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे। अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। 1/2 कप से कम पानी लगा इसके अंदर। डो को अच्छा सा हाथ की हथेली से 2-3 मिनट के लिए ऐसे अच्छा सा मल लें। इसे हम आटा गूंथते हैं, नमक भी अच्छे से हल हो जाएगा इसका, ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा नरम। बॉल में इसको रख देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके। आटा हमारा सेट हो चुका है, इसके पेड़े बना लेते हैं छोटे छोटे। जितना हमारा तवे का साइज है मुताबिक बनाएंगे। पेड़ों को बेल के रेस्ट देंगे 2-3 मिनट के लिए। इसको टिक्की के शक्ल में बेल लेंगे। कुछ हमने टिक्की बेल ली है इसकी, बाकी की भी बेल लेते हैं। बाकी के भी ऐसे रेडी कर लें। इसके ऊपर लगाएंगे घी मेल्टेड, अच्छा सा इसको कोट कर लेंगे घी से। इसके
के बाद हल्का सा मैदा, दोबारा से टिक्के को ऊपर रख देंगे, फिर इसके ऊपर घी लगाएंगे। ऑयल भी लगाना चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा मैदा, दोबारा से घी लगाएंगे इसके ऊपर। फिर मैदा लगाएंगे इसके ऊपर। को हम अपने तवे के साइज के मुताबिक बेलेंगे बारीक। इसको अच्छा सा बेल लेते हैं। इसको एक जैसा बेल लिया हमने, ना कहीं से मोटा ना पतला। ये रेडी हो चुका है, अब इसको बना लेते हैं। तब हमारा गरम है, इसके ऊपर डाल देते हैं। इसको घुमाते जाएंगे और एक एक पट्टी उतारते जाएंगे। बहुत ईजी और आसान है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको ऐसे ही उतारते जाएंगे। चूल्हा बंद कर देते हैं। ये रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से, मांडा पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। हाथ की उंगलियां नज़र आ रही हैं। बहुत इजी और आसान तरीके से बनाया हमने इसको। माशाल्लाह से 2 कप मैदे से इतनी ज़्यादा बनी है। इसको काट लेते हैं।
इसको हम तेज छुरी से इसे चाहे समोसे बनाए, रोल बनाए, चिकन रोल बनाए, चाइनीज रोल बनाए, बाकी को भी सेट कर लेते हैं। माशाल्लाह से मांडा पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। बाकी की बची हुई साइड इसकी शॉपर में डाल देंगे। इसको ज़ाया भी नहीं करेंगे, इसको पापड़ी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। चना चाट या दही बल्ले में हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसको फ्राई करके। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ, और जो नए हैं हमारे चैनल पर वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल और करम फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए में महफूज रखे। बहुत ईजी और आसान है। चिकन रोल बनाए, चाइनीज रोल बनाए, समोसे बनाए, जो चाहे मर्जी बनाए, ये ख़राब भी नहीं होती। इसको भी हम शॉपर बैग में डाल के रख देते हैं। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।